नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर के दौरे पर हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्म गुरु सैयदना मुफद्दल से मुलाकात की इंदौर के सैफी मस्जिद में। दाऊदी बोहरा समुदाय के 93 धर्म गुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन 12 सितंबर से धार्मिक प्रवचन कर रहे हैं। उनका प्रवचन सुनने के लिए आए प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज चौहान आए हुए हैं। शिवराज चौहान ने बताया कि मुल्क से मोहब्बत करने वाला और दूसरों की मददगार बनने वाला बोहरा समाज है। ए आजादारो, आज अपना साथे इमाम हुसैन ना गम में शरीक थावा ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ मजलिस में पधारिया छे। हमारी कौम ने भाइयों बहनों बच्चाओं, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान ने फॉरेन से हजारों की गिनती में गम खुआरो इंदौर आया छे। यहाँ मिनिस्टर साहेब, हमने सगला ने यहाँ आ मजलिस में आपको वेलकम करता हुआ घनी खुशी थाई छे। अने हमें हमारी भाषा में आपने अहलन व सहला कहिए छे। अहलन व सहला। श्री शिवराज सिंह जी तो हमारा मेहमान पण छे अने मेजबान पण छे, गेस्ट पण छे अने होस्ट पण छे। इंदौर में मुहर्रम अशरा मुबारकाना मौके पर हमें हमारा फर्ज अदा करी सके। आपको बता दें, दाऊदी बोहरा समाज इस्माइलिया सिया इस्लाम का उप समुदाय है। बोहरा समाज आपको सारी दुनिया में मिलेगा। इनकी आबादी सबसे ज़्यादा भारत, पाकिस्तान, यमन, पूर्वी अफ्रीका में है। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारी संख्या में है। पहले इस समुदाय की आबादी यमन में सबसे ज़्यादा थी, मगर 15वीं शताब्दी में जब इस समुदाय की आबादी बढ़ी तो ये समुदाय दो हिस्सों में बट गया। पहला समुदाय दाऊदी बोहरा और दूसरा समुदाय सुलेमानी कहलाने लगा। दाऊदी बोहरा समुदाय सबसे ज़्यादा भारत में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। दरअसल बोहरा एक गुजराती शब्द है। बहराव का अपभ्रंश है जिसका मतलब होता है व्यापार। इसीलिए समुदाय सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, जिसके अलावा समुदाय प्राचीन परंपराओं से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इस समाज में सिर्फ अपने ही समाज में शादी करना शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समाज को देश का भविष्य बताया है, तो वहीं इंदौर दौरे को आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।